जी की। हाँ हेलो राजेश भाई। हेलो। जी, जय भोले बाबा जी। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, जय भोले बाबा जी की। हाँ जी प्रभु जी, जय भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा जी की। सर अभी उदय मेहता बोल रहा हूँ बॉम्बे से। प्रभु जी जी बोलिए प्रभु जी। जी मैं जानना चाहता हूँ कि अभी मैंने सुना है कि बाबा बर्फानी तो अदृश्य हो गए, लुप्त जी जी हो गए, बिल्कुल मतलब। बिल्कुल सही सुना है आपने। बाबा बर्फानी जी अदृश्य कैसे हो जाएंगे? बाबा बर्फानी जी जी हमारे और आपके दिलों में बसते हैं, संसार को चला रहे हैं। अगर आपका बाबा आवाज बर्फानी क्लियर जी हो गया, अदृश्य वो क्या हो गया? हैं। हेलो। हाँ जी सर। मैं बाबा बर्फानी में वीडियो देखा, एक जन को पूछा ना तो बोलते बाबा बर्फानी तो अदृश्य हो गए, मतलब लुप्त हो गए। हाँ मेरी बात सुनिए ध्यान से, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, जी हाँ मेरी जी आवाज आ रही है आपको? हाँ अभी आ रही है। हाँ मेरी बात ध्यान से सुनो प्रभु जी, ये तो भोलेनाथ जी का एक रूप है, ठीक है? भोले हाँ बाबा जी का एक रूप है, जिस रूप में बाबा जी अपने बाबा अमरनाथ जी में दर्शन, ठीक है? ठीक है, हेलो। बाकी भोले बाबा जी तो कण कण में बसे हुए हैं, बराबर है। मानते हो आप? तो भोले हाँ बाबा जी जी हर जगह है, बाबा जी कभी कहीं नहीं जाते हैं। ये तो सब हाँ एक हाँ रूप है दर्शन देने। आपको अगर यात्रा का बुलावा आ गया, आपका परमिट बन गया और आपका जाने का मन है, तो ये भी बाबा जी की इच्छा है। और जरूरी नहीं बराबर है। बाबा जी अच्छा आपको गुफा में दर्शन देंगे, बाबा जी आपको रास्ते में घर से निकलने के बाद ट्रेन में कहीं भी किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं, राइट है ना? तो मैं तो आपको राइट ये बताऊंगा कि कभी भी चिंता मत करो। शिवलिंग ठीक है, हाँ बाबा जी का एक मंदिर जाना एक जरूरी है कि हाँ मंदिर हाँ में एक बाबा जी की मूर्ति रखी है, वहां जाकर मत्था टेकते हैं। लेकिन बराबर परम है, पिता परमात्मा तो हर जगह है ना, वो तो है। राइट हर जगह है, आप में भी है, मुझ में भी है, हर जगह है। और किस किस रूप में आके हमें दर्शन दे जाएंगे ये हमें मालूम नहीं है। बराबर है। तो हमें मेन मूल पे काम करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको अगर यात्रा का बुलावा आ गया है और आपको यात्रा पे जाना है, तो हाँ यही बाबा बाबा बर्फानी जी का आदेश था आपको। और किस रूप में आपको दर्शन दे देंगे ये आप जानते हैं। तो आप यात्रा, बराबर मैं है। तो सभी भक्तों को सौंपूंगा, बट बाबा हाँ जी का आशीर्वाद रहा मुझ पर और आज्ञा हुई, मुझे फिर जाने का मौका मिला, मैं फिर एक बार यात्रा पे जाऊंगा। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वहां पे, नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि शिवलिंग के रूप में बाबा जी वहां पे हैं या नहीं है। मेरा मानना हाँ यह है बाबा जी कण कण में है, और हाँ सभी भक्तों को जाना चाहिए और जोर शोर से जाना चाहिए, ये सोच के नहीं रुकना चाहिए हाँ कि शिवलिंग नहीं है वहां पे या कार में। अरे अब मंदिर में कौन सी, मंदिर में तो फोटो ही होती है, हाँ हाँ तो वहां पे भोले बाबा जी की फोटो लगी हुई है, आप ये मान के चलिए। मंदिर में भोले बराबर बाबा है, जी साक्षात दर्शन थोड़ी देते हैं आप, राइट साक्षात तो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें दर्शन होंगे ना, बराबर है। होंगे। लेकिन हाँ, ये जरूरी है, यात्रा ही अपने आप में एक दर्शन है। आप यात्रा पे हाँ जरूर जाए और राइट भक्तों को भी लेके जाए, और जरूर जाए, ये मैं हाँ आपको बता रहा हूँ। यात्रा से आप ना रुकें, ठीक है? राइट नहीं हाँ और मैं आपको कन्फर्म कह रहा हूँ, मेरे मन से आवाज आ रही है, बाबा जी आपको किसी ना किसी रूप में, रास्ते कहीं गुफा के पास, कहीं किसी रूप में आपको दर्शन, हाँ ठीक है? पक्का नहीं ऐसा हाँ जरूरी नहीं है जैसे हम लोग शुरू में गए, शिवलिंग का पूरा कार था, हमने दर्शन कर लिए, हमें पुण्य ज्यादा मिलेगा, हाँ ऐसा है क्या? बराबर है। तो ऐसे तो वहां जो पंडित जी हैं, जो आर्मी वाले हैं, 24 घंटे वही बैठे, वो तो सारे अमर हो जाएंगे फिर तो। कुछ सोचो ना, बराबर है। भोले बाबा जी हमें अपने कर्मों से नापते हैं, हमारे दिल से नापते हैं, हमारे अंदर क्या है उससे नापते हैं। तो आप मतलब मैं तो ये मानता हूँ, चलो जब तो बाबा जी का शिवलिंग बनता है तो हम दर्शन करने जाते हैं, अगर वैसे भी हमें जाना पड़ा कभी भी बाबा जी की यात्रा होगी तो हम जरूर जाएंगे, क्योंकि हमारे भोलेनाथ जी का स्थान है। और यात्रा जो है, यात्रा हम अपने लिए करते हैं, भोले बाबा जी के लिए करते हैं। यात्रा करने से हमें पता चलता है कि हमारा शरीर कितना फिट है, हमें सांस की प्रॉब्लम हो रही है, हमें क्या दिक्कत आ रही है, आपके अपना ट्रीटमेंट करें, अपना ठीक करें। कई लोगों की जाके बीमारियां वहां पता चलती हैं, किसको तो बराबर बचपन है। से ये बीमारी थी, इसके दिमाग में ये था, इसके ये था, ठीक है? तो आप यात्रा में मुझे पक्का जाए। मुझे तो सर मुझे तो है ना, मैं तो थायराइड की गोली लेता हूँ, मुझे थायराइड है, हाई बीपी है और डायबिटीज है लास्ट अरे 15 कुछ नहीं साल है से। प्रभु, ये तो काया है, आत्मा को नहीं है, ये सब शरीर को हाँ है। ना ही राइट आत्मा को थायराइड होता है, ना ही आत्मा को बीपी हाई होता है, राइट ये सब राइट शरीर राइट की है। जैसे हमारा कपड़ा है ना, कपड़ा कभी हाँ मैला हो गया, पुराना हो गया, फट गया, तो चेंज कर देने का। चेंज कर देने का। तो एक बाबा जी की आत्मा सर है, इस कपड़े को चेंज कर देगी, छोड़ देगी, या थायराइड वगैरह ही रह जाएगा उसको, राइट है ना? नहीं मेरा तो सर है ना, मेरा राजेश जी मेरा तो कल का टिकट है 11 बजे का मुंबई से स्वराज एक्सप्रेस में, और जो शेड्यूल है हिसाब से मेरा परमिट भी लिया हुआ है, मेडिकल छुट्टी भी लिया हुआ है, और 26 को मेरे को एक्चुअली जाना है, 26 तारीख का मेरा परमिट है वो दर्शन करने का। मैं कह रहा हूँ प्रभु जी खूब खुशी खुशी जाओ, ढोल राइट नगाड़ों के साथ सर। आप जाओ। कहाँ पे अभी हो सर? आप अभी कहाँ पे हो? जम्मू में हो कि कहाँ नहीं पे नहीं हो? मैं तो अभी हिमाचल आ गया हूँ दर्शन करके ना। अच्छा एक्चुअली क्या, नहीं मैं हमारी आपका वीडियो गौशाला का, देखते रहता गौशाला में हूँ। लड़का था वो चला गया है, तो इसलिए हाँ मेरा दोबारा भी जाने का प्लान था, फॉरन से ग्रुप आना था, तो इसलिए भी राइट दूसरा बंदा अरेंज किया, तो बंदा नहीं हाँ है, तो ये गौ माता की सेवा भी है, सेवा ही है, हाँ सेवा में लगे आप हुए। मंदिर मंदिर में हो कि वो नौकरी करते हो?
नहीं नहीं नौकरी वोकरी सब छोड़ दिया मालिक, अब तो सिर्फ सेवा बस। अरे हिमाचल में सेवा ही कर दो मतलब। सेवा ही, अब 40 साल नौकरी कर ली, अब कपड़े चेंज करने का टाइम भी आने वाला है, तो सोचा सेवा ही कर ले। मेरा 33 साल हो गया। कितना हो गया? 33 ईयर्स हो गया नौकरी करके। हाँ मैंने 18 साल की जॉब। आप चिंता मत करो, 31 मतलब 1 अगस्त तक यात्रा है। नहीं नहीं 31 कब तक यात्रा? 31 अगस्त तक यात्रा है, जब तक जाते रहो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे भोले बाबा जी ने अगर हमें बुलावा, सर ये मानो बुलावा आना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। किस्मत से बुलावा आता है सर, अंदर अंदर से इच्छा चाहिए, पैसा चाहिए, छुट्टी चाहिए, घर वालों की परमिशन चाहिए, जब जाके तो यात्रा में जाते हैं। मेरे सुनिए, मेरे मैं और मेरी बीवी जा रहे हैं और मेरे दोनों बच्चे घर पे रहेंगे, एक 19 साल का, एक 25 साल का है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप यात्रा करके आओ, यात्रा अपने आप में दर्शन है, भोले बाबा जी आपको जरूर किसी न किसी रूप में दर्शन दे। ठीक है, ठीक है, ओके, जय भोले बाबा जी की, जय भोले बाबा जी।